आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी। ये दो नारियल हैं, इसको उसका जो वाइट पोर्शन है उसको निकाल लिया गया। अब इसको टुकड़ा टुकड़ा करके भी काट सकते हैं क्योंकि उसको पेस्ट करना है। ज़्यादा भी नहीं, ऐसे नॉर्मल ऐसे पीस करने से ये होगा। जितना इसको बारीकी से काटेंगे उतना जल्दी पेस्ट हो जाएगा और अच्छा पेस्ट होगा, तो दाना दाना नहीं रहेगा। तो ये रहा मैंने सारा इसको टुकड़ा करके काट लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डालने के बाद इसे ये छोले थोड़ा डाल होते समझ पर नहीं मिलने बोलते मुझे आता है। मुझे बोलते स्मेल आएगा ना इन सबको, लास्ट में देना नारियल, नारियल ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। ये जो मसाला हो जाएगा तो वो नारियल डालना। तो ये रेड हो गया, इसमें नारियल डालेंगे। ये कटे हुए नारियल, नारियल डालने का ज़्यादा इसको रखना नहीं, थोड़ा बनाते रहना। मैंने अभी ग्राइंडर मशीन में रख दिया है। अब मैं इस पर चार पाँच जिसको जितना मिर्ची डालना है, जिस जैसा जो खाता है उसे वैसे ही डालो, डाल के अब उसको पेस्ट करना, हल्का सा पानी देके इसको स्मूथ सा। ये देखो पेस्ट हो गया। अब इसको मैं उसके अंदर जाएगा ये नमक, कड़ी पत्ता, इसको क्या बोलते हैं सरसों, वो दाना वाला सरसों, और ये सूखी मिर्ची। कढ़ाई गर्म होने पर ये सारा देखे दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। हल्का सा गर्म हो रहा है, और ये जो लाल मिर्च है इसको काट के रख देना, पूरा नहीं हाफ हाफ होना होगा। ये सरसों जब देंगे ना तो ये फटने लगेगा, तो इसको एक अंदर हाफ देंगे। अब ये फटके मैंने सारे तरफ छिटके ना, पानी ज्यादा देके उसके बाद फिर इसका बनाना है। ये जो था इसी को मैंने डाल के और पानी जाएगा। होता है जैसे मैंने इसको नारियल को चना को डाल को और जो बनाना है उसको मैंने रोस्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मैंने देखा है कि इसको बिना रोस्ट किए मिक्सी में पेस्ट कर दिया था, तब क्योंकि जैसा ये सेम प्रोसेस है वैसे आता है। इसमें अभी पानी डाली बहुत ज़्यादा आता है, देख रहा होगा मैंने तो नमक नहीं दिया, नमक दे अभी नहीं। इससे पहले मैंने एक कटोरी ली थी, अभी दो, और अभी तीन, मैंने टोटल तीन कटोरी पानी दिया। ये जगह बहुत छोटा हो गया, बहुत ईजी है, बहुत जल्द हो जाता है, और ये हम कम से कम मिनिमम 5 से 7 दिन हम इसको फ्रिज पर स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसा ही ठीक होगा, जब खाएंगे तो ऐसा ही ठीक होगा, पर अभी शायद थोड़ा और पानी देने से इसको सही होगा। अब नमक जाएगा, मैं यहाँ पे 1 चम्मच पूरा दो, अब हम इस बाद में अब इसको ये 2 कंटेनर में रखूँगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं फ्रिज में रखूँगा।
तो देखो मैंने इसे दो जगह पे रख दिया है, अभी जब ठंडा होगा उसके बाद मैं ये फ्रिज में रखूंगी। ये तो इसलिए है क्योंकि ये एक पार्सल होगा, इसीलिए ये दोनों मैंने दो जगह पे रख दिया है।